नमस्कार दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं एनसीईआरटी गणित, जिसमें आज आप पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.6 के उदाहरण। तो देखिए, हमने प्रश्नावली यदि कर ली थी तो उसी से मिलते जुलते सवाल उदाहरणों में भी हैं। तो देखिए, जैसे हम बात करें उदाहरण 27 की, तो उदाहरण 27 कहा गया है, निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए। हमें दो समीकरण दिए गए हैं। तो देखिए, हमारे पास जो दो समीकरण हैं यह मिलकर के क्या कहलाते हैं? समीकरण निकाय। अब हमें यह समीकरण निकाय हल करना है, तो हम क्या करते थे? सबसे पहले समीकरण निकाय को AX बराबर B के रूप में लिखते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, समीकरण निकाय को AX बराबर B के रूप में लिखा जा सकता है, ऐसा बताते हैं। जहां पे ए आप भी होगा, एक्स आप भी होगा और बी आप भी होगा, तो आप लिखेंगे जहां पे ए आप भी। अब देखिए, ए आप भी आप कैसे बनाएंगे? गुणांकों से, जो एक्स वाई के गुणांक हैं उनसे ए आप भी बनाना है। 2, 5, 3, 2। तो यहां पे देखिए, 2, 5, 3, 2, इन गुणांकों से हमने एक आव्यूह ए बनाया। यदि हम बात करें एक्स आव्यूह की, तो देखिए सवाल आपका एक्स और वाई में है। इनको यदि एक स्तंभ के रूप में लिख दिया जाए, एक्स और वाई को, तो एक्स आव्यूह बनता है। और यदि हम बात करें बी आव्यूह की, तो देखिए बी बराबर वाला आव्यूह होता है। जो बराबर की संख्याएं होती हैं उनको एक स्तंभ के रूप में लिखने पर बनता है बी आव्यूह। तो देखिए, हमारे पास ए आव्यूह आ चुका है, एक्स आव्यूह आ चुका है, बी आव्यूह आ चुका है। अब हम क्या ज्ञात करते हैं? सारणी के का मान ज्ञात करते हैं। तो हम लिखेंगे यहां सारणी के का मान। अब सारणी के कैसे आपको निकालना होगा? जो ए आव्यूह है उसमें आप सारणी का चिन्ह आप लगा देंगे। तो 2, 5, 3, 2, इसमें आप सारणी का चिन्ह लगाएंगे और इसे आप हल करेंगे। तो देखिए कैसे हल किया जाएगा। 2 और 2 का गुणा 4 होगा, माइनस चिन्ह 3 और 5 का गुणा करेंगे 15 होगा, यहां घटाएंगे तो माइनस का 11 आएगा। अब देख सकते हैं सारणी के का मान -11 आया है, जो कि 0 के बराबर तो नहीं है। और हमने आपको बताया था, यदि सारणी का मान 0 के बराबर नहीं है तो ए आव्यूह व्युत्क्रमणीय होता है, मतलब ए इनवर्स निकाला जा सकता है। तो देखिए, हमने लिखा आता है ए आव्यूह व्युत्क्रमणीय है, अर्थात ए इनवर्स का अस्तित्व है, मतलब ए इनवर्स को निकाला जा सकता है। और यदि ए इनवर्स निकाला जा सकता है, तो जो हमें समीकरण निकाल दिया गया था इसका एक अद्वितीय हल होगा। तो देखिए, समीकरण निकाय का जो अद्वितीय हल होगा वो क्या होगा? यहां से आप निकालेंगे ए एक्स बराबर बी है। यदि आप यहां से एक्स का मान निकालेंगे तो एक्स बराबर ए उस तरफ ले जाना होगा, तो ए इनवर्स हो जाएगा ए इनवर्स बी। एक्स का मान क्या हुआ? ए इनवर्स बी। और आगे यदि आप सॉल्व कर दें, ए इनवर्स का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, 1/ सारणिक ए इंटू एड ज्वाइंट ए, ये होता है ए इनवर्स का फार्मूला। और बी को आप वैसे ही लिख देंगे। और ऐसे यदि हम समीकरण एक का नाम दे दें, तो आप यहाँ पे देखेंगे सारणिक ए का मान तो हमने निकाल दिया है पहले, लेकिन अभी हमारे पास एड ज्वाइंट ए नहीं है, बी आप भी है आपके पास, एड ज्वाइंट नहीं है। तो हम एड ज्वाइंट ए ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? जो ए आप भी है इसके सहखंड ज्ञात करेंगे। तो देखिए, अब हम ए आव्यूह के सहखंड ज्ञात करेंगे। तो देखिए, सहखंड में 4 सहखंड बनेंगे, क्योंकि 4 अवयव हैं। कैपिटल ए 11 आएगा, कैपिटल ए 12, 21, 22। तो देखिए, 11 यदि आप निकालेंगे, 1 और 1 2, मतलब यहाँ पे सम हुआ तो प्लस, विषम होता है तो माइनस। 1 और 1 2 सम हुआ प्लस, 11वां अवयव ये होता है। इसके लिए यदि आप देखेंगे ए लाइन छोड़ेंगे, ए लाइन कितना बचा होगा? 2, तो +2 इसका आंसर होगा। यदि हम बात करें ए 12 की, तो देखिए यहाँ 2 और 1 3, विषम मतलब माइनस चिन्ह होगा। देखिए 12वां अवयव ये रहा, इसके लिए ए लाइन छोड़ेंगे, ए लाइन कितना बचा होगा? 3, तो -3 इसके लिए आंसर हुआ। इसके बाद कैपिटल ए 21 निकालेंगे, 2 और 1 3 यहाँ भी होता है, तो विषम फिर हुआ, माइनस चिन्ह आएगा। 21वें अवयव के लिए देखिए, इस 3 के लिए ए लाइन छोड़ेंगे, ए लाइन छोड़ेंगे, 5 आ जाएगा, तो 5 हो जाएगा। अब यदि कैपिटल ए 22 की बात करें, तो देखिए यहाँ पे 2 और 2 4 होता है, मतलब प्लस का चिन्ह आएगा। और इस 22वें अवयव मतलब इस 2 के लिए ए लाइन छोड़ेंगे, ए लाइन कितना बचा होगा? 2। तो देखिए, सहखंड तो हमारे ज्ञात हो गए हैं। अब इन सहखंडों को यदि एक क्रम में जमाएंगे तो हमें एडज्वाइंट ए का मान पता चल जाएगा। तो हम लिखेंगे, आता है एडज्वाइंट ए बराबर,
तो देखिए एडजोइंट का जो फार्मूला होता है वो तो आपको पता है, सह खंडों को इस क्रम में जमाना होता है, कैपिटल ए 11, कैपिटल ए 12, कैपिटल ए 21, कैपिटल ए 22, तो कॉलम वाले क्रम में आप जमा देते हैं। और इन सबके यदि आप मान रखते हैं ए 11, ए 12, ए 21, ए 22, इन सबके मान रखेंगे तो देखिये यहाँ पे 2 -3 -5 और 2 एड ज्वाइंट ए का मान हो जाएगा। देख सकते हैं एड ज्वाइंट ए आ चुका है, सारणी के आपके पास पहले से था, बी आप व्यू भी पहले से था, तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण एक में सारणी के का मान रख देंगे जो कि -11 है, एड ज्वाइंट ए का मान अभी अभी हमने निकाला और बी आप व्यू आपके पास ऊपर है, तो इन सबके मान रखेंगे समीकरण एक में। तो देखिए समीकरण एक से लिखा हमने एक्स बराबर 1/-11 सारणी के का मान रखा, एडजॉइंट ए का मान और बी आप व्यू का मान रखा, और आगे यदि आप सॉल्व करेंगे तो 1/-11 तो आप लिखते चलें। देखिए यहाँ पे 2 आप व्यू है, इन दोनों का हमें गुणा करना होगा, तो आपको पता है पंक्ति का गुणा स्तंभ से करते हैं, तो देखिए यहाँ पे 2 का 1 से करेंगे 2 आएगा, -5 का 7 से करेंगे तो यहाँ पे 35 आएगा, फिर दूसरी पंक्ति का करेंगे स्तंभ से तो यहाँ अगला अवयव आएगा, तो -3 का 1 से करेंगे तो -3 होगा, 7 का 2 से हो जाएगा तो 14 हो जाएगा, और आगे यदि आप सॉल्व करते चलेंगे तो देखिए हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे -11 जो है बटे में चल रहे हैं, और यहाँ पे यदि आप देखेंगे -33 और यहाँ +11 आ चुके हैं। अब देखिए 1/-11 का यदि आप पूरे आप व्यू से गुणा करेंगे तो देखिए 11 33 यहाँ पे आ जाएगा 3, और यहाँ 11 एकम 11 यहाँ पे 1 आ जाएगा, लेकिन माइनस का 1 आएगा क्योंकि 1/-11 का गुणा कर रहे हैं। और देखिए बराबर में क्या चलते जा रहा है, एक्स चलते जा रहा है, एक्स का मतलब है एक्स आव्यू, और एक्स आव्यू में आपके पास एक्स और वाई अवयव हैं, तो देखिए यहाँ पे अब आपके पास 2 आव्यू बराबर आ चुके हैं, यदि आप इनकी तुलना कर देते हैं तो हमें एक्स वाई के मान प्राप्त होते हैं। तो हमने लिखा तुलना करने पर, देखिए यदि हम इनकी तुलना करेंगे तो हमें x का मान 3 मिल जाएगा, x बराबर 3, और y बराबर हमें -1 मिल जाएगा, यही हमारा फिर आंसर होगा। इस प्रकार से 27वां उदाहरण कंप्लीट हुआ। इसके बाद अगला 28वां उदाहरण है, निम्नलिखित समीकरण निकाय को आप व्यू विधि से हल कीजिए, जैसा हमने पिछला सवाल किया है वैसा ही करना है, बस हमारे पास अब 3 समीकरण आ गए, तो तीनों समीकरण मिलकर के जो समीकरण निकाय बना रहे हैं, तो सबसे पहले हम समीकरण निकाय को AX बराबर B के रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए हमने लिखा दिए गए समीकरण निकाय को हम क्या कर सकते हैं, AX बराबर B के रूप में लिख सकते हैं, जहां पे यदि हम बात करें A आप व्यू की, तो देखिए A आप व्यू बनता है एक्स वाई जेड के गुणांकों से, देखिए यहाँ पे 3 -2 3 आएगा, तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा 3 -2 और 3, और यहाँ पे 2 1 -1 आएगा, तो यहाँ पे हमने लिखा 2 1 -1, 4 -3 2 आएगा, 4 -3 2 आएगा, तो जो भी गुणांक है एक्स वाई जेड के उनसे बनाते हैं एक आव्यूह ए। यदि हम बात करें एक्स आव्यूह एक स्तंभ आव्यूह होता है, केवल एक स्तंभ होता है, सवाल यदि एक्स वाई जेड में है तो एक्स वाई जेड को एक स्तंभ के रूप में लिखते हैं तो एक्स आव्यूह बन जाता है। इसके बाद यदि हम बात करें और बी आव्यूह की, तो देखिए बी आव्यूह हमने आपको बताया था बराबर वाली संख्याओं को स्तंभ के रूप में लिखने से बनता है, तो 8 1 4 इनको हम एक स्तंभ के रूप में लिखते हैं तो बन जाता है बी आव्यूह। तो देखिए ए आव्यूह हो चुका है, एक्स आव्यूह हो चुका है, बी आव्यूह हो चुका है। अब हम क्या ज्ञात करते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं सारणी के का मान कितना आता है, 0 आता है या नहीं आता है। तो देखिए सारणी के आप कैसे बनाएंगे, यहाँ जो ए आव्यूह है इसमें सारणी के चिन्ह लगा देंगे तो बन जाएगा सारणी के। अब इसका मान यदि आप निकालेंगे तो देखिए आपको प्रसार करना होगा, यहाँ भी यदि हमें सार1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि यह अवयव प्लस का होता है, यह माइनस का होता है, यह प्लस का होता है। तो देखिए हम इस 3 के सापेक्ष यदि करेंगे तो 1 -1 -3 2 2 और 1 का गुणा होगा, 2 आएगा, बीच में माइनस चिन्ह आएगा, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा। देखिए यहाँ +3 आया लेकिन बीच में एक माइनस तो लगाना ही होता है, तो -3,
फिर देखिए माइनस चिन्ह लगा के यह अवयव लिखेंगे, क्योंकि यह अवयव माइनस का लिया जाता है माइनस दो। अब देखिए यहां पे यदि इसके सापेक्ष यदि हम देखें तो दो माइनस एक चार, दो दो और दो का गुणा करेंगे तो चार हो जाएगा, बीच में माइनस चिन्ह लगता है, चार माइनस एक का माइनस चार, एक माइनस बीच में लगाना है तो प्लस का चार हो जाएगा। इसके बाद हम इस तीन के सापेक्ष तो यहाँ का अवयव तो प्लस का होता है तो प्लस तीन के सापेक्ष करेंगे, दो एक चार माइनस तीन का दो से करेंगे माइनस के छह, बीच में माइनस चार और एक का करेंगे तो चार आएगा, इस प्रकार से होगा। और आगे यदि आप सॉल्व करेंगे दो में से तीन घटाएंगे, माइनस एक का तीन से करेंगे माइनस का तीन, यहां माइनस माइनस हो गया प्लस, चार और चार आठ, आठ दूनी यहां पे सोलह हो जाएगा, और यहां पे माइनस के दस हो गए, दस और तीन का यदि आप गुणा करेंगे तो दस दिया तीस हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि ऋण के तो हो गए तैतीस, ऋण के तैतीस हो चुके हैं, धन के सोलह हो चुके हैं, मतलब ऋण सत्रह जो है हमारा सारणिक का मान होगा जो कि बराबर नहीं है जीरो के। और यदि सारणिक का मान जीरो के बराबर नहीं है तो जो ए अवयव होता है वो व्यतिक्रमणीय होता है, उसका इनवर्स निकाला जा सकता है। तो देखिए हमने लिखा आता है ए अवयव व्यतिक्रमणीय है, अर्थात ए इनवर्स का मान निकाला जा सकता है, अस्तित्व है। इसलिए जो समीकरण निकाय था उस समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होगा। तो देखिए समीकरण निकाय का अद्वितीय हल क्या होगा, यहां से देखिए ax बराबर b था, x का मान यदि आप निकालेंगे तो x बराबर आएगा, a उस तरफ ले जाएंगे तो a इनवर्स बन जाएगा, a इनवर्स b होगा। और यदि आप देखें x बराबर a इनवर्स का यदि फार्मूला आपको पता हो, एक बटे सारणिक a इंटू एडज्वाइंट a, ये फार्मूला a इनवर्स का होता है, और b अवयव को वैसा ही लिखें, और इसे अब हम समीकरण एक का नाम दे देते हैं क्योंकि अभी हमें एडज्वाइंट a का मान निकालना होगा। देखिए सारणिक a का मान तो है आपके पास माइनस सत्रह, एडज्वाइंट a का नहीं है, b अवयव भी है आपके पास आठ एक चार, तो अब हम एडज्वाइंट a ज्ञात करेंगे। एडज्वाइंट a कैसे निकाला जाएगा, जो a अवयव है उसके हमें सहखंड ज्ञात करने होंगे। तो देखिए अब हम जो ए अवयव था उसके सहखंड ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले हम कैपिटल ए ग्यारह ज्ञात करेंगे, एक और एक दो मतलब प्लस का चिन्ह। ग्यारहवें अवयव के लिए आप देखें तो एक माइनस तीन दो, दो और एक का गुणा करेंगे दो, माइनस तीन माइनस एक का गुणा किया प्लस तीन, लेकिन एक बीच में माइनस लगता है तो माइनस तीन, दो में से तीन घटाया माइनस का एक होगा। कैपिटल ए बारह की बात करें तो दो और एक तीन, माइनस चिन्ह आ जाएगा। देखिए बारहवें अवयव के लिए दो माइनस एक चार, दो दो और दो का गुणा चार होगा, चार और माइनस एक का गुणा माइनस चार होगा, लेकिन एक माइनस बीच में मतलब प्लस का चार, चार चार आठ, आगे माइनस है तो माइनस आठ। इसके बाद कैपिटल ए तेरह ज्ञात करेंगे, तीन और एक चार मतलब प्लस चिन्ह होगा। तेरहवें अवयव के लिए दो एक चार, माइनस तीन का दो से माइनस छह, चार का एक से करेंगे चार, लेकिन बीच में माइनस लगाएंगे तो माइनस चार, दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस दस होगा। इसके बाद कैपिटल ए इक्कीस ज्ञात करेंगे, दो और एक तीन होता है, माइनस चिन्ह आएगा। देखिए इक्कीसवें अवयव के लिए माइनस दो तीन, माइनस तीन दो, देखिए दो और माइनस दो का गुणा करेंगे माइनस चार, माइनस तीन और तीन का गुणा किया माइनस नौ, एक माइनस बीच में लगाना है प्लस का नौ, यदि आप इन्हें जोड़ेंगे तो देखिए यहां माइनस पांच आ जाएगा क्योंकि माइनस आगे था। इसके बाद कैपिटल ए बाईस ज्ञात करेंगे तो दो और दो चार मतलब प्लस चिन्ह आएगा। देखिए बाईसवां अवयव ए रहा, इसके लिए तीन तीन आएगा, चार दो आएगा, दो और तीन का गुणा छह होगा, चार तीन का गुणा बारह, बीच में माइनस और घटाएंगे तो माइनस छह। इसके बाद कैपिटल ए तेईस ज्ञात करेंगे तो यहाँ तीन दो पांच विषम मतलब माइनस चिन्ह आएगा। तेईसवें अवयव के लिए देखें तो तीन माइनस दो चार, माइनस तीन का तीन से माइनस नौ, चार माइनस दो का माइनस आठ, लेकिन एक माइनस बीच में लगाना है तो प्लस का आठ, यहाँ माइनस का एक बचा और माइनस आगे है तो प्लस एक। इसके बाद कैपिटल एक तीस ज्ञात करेंगे तो तीन और एक चार प्लस चिन्ह आएगा। इकतीस के लिए देखिए इस चार के लिए माइनस दो तीन, एक माइनस एक, माइनस एक का माइनस दो से तो प्लस का दो, एक और तीन का गुणा करेंगे तो तीन, लेकिन बीच में माइनस लगाएंगे तो माइनस का तीन, दो में से तीन घटाएंगे माइनस एक। कैपिटल ए बत्तीस ज्ञात करेंगे, तीन दो पांच विषम आएगा मतलब माइनस चिन्ह आया। देखिए बत्तीसवें अवयव के लिए तीन तीन दो माइनस एक का तीन से किया माइनस तीन, दो और तीन का गुणा करेंगे छह, लेकिन बीच में माइनस लगाएंगे माइनस छह, माइनस के नौ, लेकिन माइनस आगे है तो प्लस के नौ।
कैपिटल है 33 निकालेंगे, 3 3 6 होता है, प्लस चिन्ह आया, देखिए 33वां अवयव ये रहा, तो 3 माइनस 2 दो और एक, एक का 3 से किया 3, 2 और माइनस 2 का माइनस 4, लेकिन एक माइनस बीच में लगाना, प्लस 4, 3 4 जोड़ा तो 7। तो देखिए हमने सभी 9 अवयवों के शयखंड ज्ञात कर लिए हैं, अब हम इनको जमाएंगे तो हमें एडज्वाइंट ए मिलेगा। अतः एडज्वाइंट ए बराबर हमने लिखा ए 11 ए 12 ए 13 21 22 23 31 32 33 कॉलम वाले क्रम में आपको आगे बढ़ाते चलना है, और इन सबके यदि आप मान रख देते हैं जो कि हमने निकाल के रखे हैं, इन सबके मान यदि आप रखते हैं तो इस प्रकार से आपको एडज्वाइंट ए का मान प्राप्त होगा। अब देखिए हमें एडज्वाइंट ए की तो आवश्यकता थी, आ चुका है एडज्वाइंट ए, आ चुका है बी, आप भी आपके पास ऊपर दिया गया है। सारणिक ए की बात करें, -17 हमने अभी निकाला था, तो इन सबके मान हम समीकरण एक में रखेंगे। तो हमने लिखा समीकरण एक से जो x बराबर 1/ सारणिक ए था, सारणिक ए का मान -17, एडज्वाइंट ए वाला आप व्यू यह रखा, और बी आप व्यू हमने जो बराबर वाली संख्याओं से बनाया था 8 1 4 बी आप व्यू रखा। इसके बाद देखिए 1/-17 तो आप लिखते चलेंगे, इन दोनों अवयवों का गुणा होगा, पंक्ति का गुणा स्तंभ से करते जाना, फिर दूसरी पंक्ति का स्तंभ से, फिर तीसरी पंक्ति का स्तंभ से यदि आप करेंगे। तो देखिए -1 का 8 से किया -8, -5 का 1 से किया -5, -1 का 4 से किया -4, फिर -8 का 8 से करेंगे -64, -6 का 1 से करेंगे -6, 9 और 4 का गुणा करेंगे 36 होगा, फिर यहाँ पे -10 का 8 से 80 होगा, 1 का 1 से करेंगे 1 होगा, 7 4 का गुणा 28 होगा, और इन सबको यदि आप सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा -17 और यहाँ पे -34 और यहाँ पे -51, 1/-17 आगे चल रहा है। अब 1/-17 का हम इस आव्यूह से गुणा करेंगे तो 17 1 17 यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ 17 2 34 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, माइनस माइनस हर जगह प्लस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 प्राप्त हो जाएगा, बराबर में चल रहा है एक्स आव्यू, और एक्स आव्यू का मान क्या है, एक्स वाई जेड है, यदि आप रखेंगे तो आप तुलना कर सकते हैं, तो एक्स का मान 1, वाई का मान 2, जेड का मान 3 मिल जाएगा। तो हमने यदि तुलना की है तो देखिए एक्स का मान 1, वाई का मान 2, जेड का मान 3 मिल चुका है, यही हमारा फिर आंसर होगा। तो इस प्रकार से उदाहरण 28 भी कंप्लीट हुआ। इसके बाद देखिए अगला 29वां उदाहरण है, 3 संख्याओं का योग 6 है, यदि हम तीसरी संख्या को 3 से गुणा करके दूसरी संख्या में जोड़ दें तो हमें 11 प्राप्त होता है, पहली और तीसरी संख्या को जोड़ने पर हमें दूसरी संख्या का दोगुना प्राप्त होता है। इसका बीजगणितीय निरूपण कीजिए, मतलब एक्स वाई जेड में सवाल को मानिए और आव्यूह विधि से संख्याएं ज्ञात कीजिए, जैसा हम अभी करते आ रहे थे वैसा ही हम करेंगे। तो देखिए सबसे पहली चीज हमें 3 संख्याएं ज्ञात करनी है, जो मान के चलेंगे पहली संख्या एक्स, दूसरी संख्या वाई, तीसरी संख्या जेड। तो देखिये हम मान के चले पहली संख्या, दूसरी और तीसरी संख्या क्रमशः एक्स वाई जेड है, मतलब पहली संख्या एक्स हो गई, दूसरी संख्या वाई हो गई, तीसरी संख्या जेड हो गई। अब देखिए तब प्रश्न अनुसार जो कहा गया है उसके अनुसार हम यदि समीकरण बनाएं तो देखिए यहाँ पे पहली लाइन क्या है, 3 संख्याओं का योग 6 है, तो इसका मतलब है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, 3 संख्याएं हमने एक्स वाई जेड मानी है, इन तीनों संख्याओं का योगफल कितना है, 6 है। अब इसके बाद देखिए क्या कहा गया है, यदि हम तीसरी संख्या को 3 से गुणा कर दें, देखिए तीसरी संख्या क्या है यहाँ पे, जेड, जेड को यदि आप 3 से गुणा कर देते हो तो 3 जेड। तो देखिए तीसरी संख्या जो जेड है उसे 3 से गुणा कर दिया है और उसके बाद उसे दूसरी संख्या में जोड़ना है, तो हमें योगफल कितना प्राप्त हुआ है, 11 प्राप्त हुआ है। और फिर इसके बाद देखिए अगला समीकरण बनेगा, पहली और तीसरी संख्या को जोड़ने पर, पहली संख्या देखिए यहाँ पे एक्स है और तीसरी संख्या जेड है, यदि इनको जोड़ दें तो हमें दूसरी संख्या का दुगना प्राप्त होता है, दूसरी संख्या वाई है, वाई का दुगना प्राप्त होता है, मतलब 2y। तो देखिए इस समीकरण को हम व्यवस्थित कर लेते हैं यदि, तो 2y इस तरफ आ जाएंगे, तो एक्स माइनस 2y प्लस जेड बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो देखिए इस प्रकार से आपके पास पहला समीकरण, दूसरा समीकरण और ये हो जाएगा तीसरा समीकरण। तो तीनों समीकरण से जो हमारा समीकरण निकाय बना है, अब हम इस समीकरण निकाय को AX बराबर B के रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए हम इस समीकरण निकाय को AX बराबर B के रूप में लिख सकते हैं, जहां पे
ए अपव्यू का मान यदि हम देखें तो ए अपव्यू हमने बताया गुणांकों के द्वारा बनता है। यहाँ पे एक है एक्स वाई जेड के गुणांक, तो एक लिखा। यहाँ एक्स का गुणांक है ही नहीं तो जीरो लेना होगा, वाई का गुणांक एक और जेड का तीन है तो एक तीन हमने यहाँ पे लिखा। यहाँ तीसरे समीकरण में एक माइनस दो एक है तो एक माइनस दो और एक यहाँ पे इस प्रकार से बनेगा एक अपव्यू ए। यदि हम बात करें एक्स अपव्यू की तो देखिए हमारा जो सवाल है समीकरण निकाय है वो एक्स वाई जेड में है, तो एक्स वाई जेड को एक स्तंभ के रूप में लिखते हैं तो बनता है एक्स अपव्यू। और यदि हम बात करें बी अपव्यू की तो बराबर वाली संख्याओं के द्वारा बनाते हैं हम बी अपव्यू, तो एक जगह है छह, एक जगह ग्यारह और एक जगह जीरो है, तो हम छह ग्यारह जीरो इनसे बना लेते हैं एक अपव्यू बी, वो भी स्तंभ के रूप में अपव्यू होता है। अब हमें क्या ज्ञात करना होता है, यहाँ पे अब हम सारणी के का मान ज्ञात करते हैं। तो सारणी के का मान यहाँ पे जो ए अपव्यू है यहाँ सारणी के चिन्ह लगा देते हैं तो सारणी के बनता है। अब हमें इस सारणिक का मान ज्ञात करना है तो हमें इस सारणिक का प्रसार करना होगा। देखिए यहाँ पे यदि हम पहले स्तंभ की बात करें, वन जीरो वन है, एक जीरो यहाँ मिलेगा, इस वजह से हम इस सी वन के सापेक्ष प्रसार करेंगे। तो देखिए यदि हम इस एक के सापेक्ष प्रसार करते हैं तो एक तीन माइनस दो एक आएगा, एक और एक का गुणा किया तो एक आएगा, माइनस चिन्ह तीन दो का गुणा करेंगे माइनस छह होगा, एक माइनस बीच में लगा है तो प्लस का छह हो जाएगा। फिर देखिए यदि आप इस जीरो के सापेक्ष, देखिए यहाँ प्लस का यहाँ माइनस का यहाँ प्लस का होता है, इस जीरो के सापेक्ष प्रसार करेंगे पूरा मान जीरो होगा। फिर आप इस एक के सापेक्ष प्रसार करेंगे यदि, तो देखिए यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, एक 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 तीन तीन और एक का गुणा करेंगे तो तीन आएगा, माइनस चिन्ह एक और एक का गुणा करेंगे तो एक आएगा। और आगे यदि आप सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे छह और एक होगा सात, सात एकम सात हो जाएगा और जीरो लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे यदि तीन में से घटाएं दो, दो का एक से गुणा करेंगे तो दो होगा, मतलब सात और दो कितना हो गया, नौ। यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका सारणी के आया है नौ, वो जीरो के बराबर तो नहीं है। और यदि सारणी के का मान जीरो के बराबर नहीं है तो इसका मतलब है जो आपके पास ए अपव्यू है वो व्युत्क्रमणीय है, उसका इनवर्स निकाला जा सकता है या इनवर्स का अस्तित्व है, और जो हमारे पास समीकरण निकाय था उसका एक अद्वितीय हल है। तो देखिए समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है, इस हल को कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए यहाँ पे ए एक्स बराबर बी है, एक्स का मान यदि हम देखें तो एक्स बराबर ए उस तरफ जाएगा तो ए इनवर्स बी बन जाएगा, और ए इनवर्स का यदि आप फार्मूला लगा देते हैं तो फार्मूला होता है एक बटे सारणी के इनटू एडज्वाइंट ए होता है फार्मूला, और बी आप व्यू को वैसे ही लिखें, इससे समीकरण एक का नाम दे दें यदि, तो देखिए सारणी के का मान तो आपके पास नौ आ चुका है, बी आप व्यू है आपके पास लेकिन एडज्वाइंट ए तो है नहीं, तो आपको अब एडज्वाइंट ए का मान ज्ञात करना होगा। तो कैसे ज्ञात करते हैं, हम इस ए आप व्यू के सहखंड ज्ञात करेंगे। तो देखिए हम अब ए बराबर जो आप व्यू था उसके सहखंड ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे नौ अवयव हैं, नौ सहखंड ज्ञात करने होंगे। तो देखिए सबसे पहले हम कैपिटल ए 11 ज्ञात करेंगे, एक और एक दो मतलब प्लस का चिन्ह आएगा 11 के लिए, एक तीन माइनस दो एक, एक और एक का गुणा किया एक आएगा, माइनस दो का तीन से माइनस छह, एक माइनस बीच में लगाना है तो प्लस का छह, छह और एक कितना हो जाएगा सात। इसके बाद कैपिटल ए 12 ज्ञात करेंगे, दो और एक तीन माइनस चिन्ह आएगा, बारहवें अवयव के लिए जीरो तीन एक एक आएगा, एक का जीरो से किया जीरो, एक का तीन से किया तीन, बीच में माइनस, जीरो माइनस तीन होगा और एक माइनस आगे है तो प्लस का तीन। इसके बाद कैपिटल ए 13 ज्ञात करेंगे, तीन और एक चार मतलब प्लस का चिन्ह होगा, देखिए तेरहवें अवयव के लिए जीरो एक एक माइनस दो का जीरो से जीरो, एक और एक का गुणा एक होगा, जीरो में से एक घटाएंगे तो माइनस एक आ जाएगा। इसके बाद कैपिटल ए 21 ज्ञात करेंगे, दो और एक तीन माइनस चिन्ह आएगा, देखिए इस जीरो के लिए एक एक होगा, माइनस दो एक होगा, एक का एक से गुणा किया तो एक आएगा, माइनस दो का एक से किया माइनस दो और बीच में एक माइनस लगाना तो प्लस का दो, दो और एक तीन होगा, माइनस आगे है तो माइनस तीन। कैपिटल ए 22 की बात करें, दो और दो चार प्लस चिन्ह होगा, इस एक के लिए यदि हम देखें तो एक एक होगा, एक एक होगा, एक का एक से गुणा एक, एक और एक का गुणा फिर एक, बीच में माइनस और घटाएंगे तो जीरो।
इसके बाद कैपिटल ए 23 ज्ञात करेंगे, 3 2 5 मतलब माइनस का चिन्ह होगा। देखिए 23वें अवयव के लिए एक 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 माइनस दो का एक से किया माइनस दो, एक और एक का गुणा किया एक, बीच में माइनस दो माइनस एक, माइनस का तीन और माइनस आ गया है तो प्लस का तीन। इसके बाद कैपिटल ए 31 ज्ञात करेंगे, 3 और 1 4 मतलब प्लस चिन्ह आएगा। 31 के लिए यदि आप देखें तो देखिए यहाँ पे एक 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 तीन, तीन का एक से गुणा किया तीन, एक और एक का गुणा करेंगे तो एक, बीच में माइनस, तीन में से घटाएंगे दो। इसके बाद कैपिटल ए 32 तो 2 और 3 होता है 5, माइनस चिन्ह आएगा। देखिए 32वें अवयव के लिए देखें आप तो एक एक 0 3 आएगा, 3 का 1 से करेंगे 3 0 का 1 से होगा तो 0। आप देखिए यहाँ माइनस 3 आंसर होगा। कैपिटल ए 33 की बात करें, 3 3 6 मतलब प्लस चिन्ह, इस 33 के लिए 1 1 0 1 होगा, 1 का 1 से गुणा 1, माइनस चिन्ह लगा के 0 और 1 का करेंगे तो 0 होगा तो 1 का 1 ही आंसर आ जाएगा। तो देखिए हमने सभी अवयवों के शयखंड ज्ञात कर लिए हैं, अब इनको जमाएंगे तो हमें एडजॉइंट ए मिल जाएगा। तो देखिए हमने लिखा आता है एडजॉइंट ए बराबर कैपिटल ए 11 12 13 21 22 23 31 32 33, इस क्रम में आपको जमाना है कॉलम वाले क्रम में। और देखिए इन सब के मान यदि आप रख देंगे तो यहाँ पे आपको एडजॉइंट ए का मान मिल जाएगा। अब हमारे पास एडजॉइंट ए हो चुका है और सारणी के का मान हमने ज्ञात कर लिया था, 9 आया था, बी आप यू बराबर वाली संख्याओं को मान के चले थे, तो सब चीजें हो गई। तो अब हम समीकरण एक में सबके मान रखेंगे। तो देखिए हमने लिखा समीकरण एक से एक्स बराबर, देखिये 1/सारणी के का मान हमने 9 रखा और एडजॉइंट ए का मान यह रखा और बी आप यू का मान यह रखा। अब देखिए यहाँ पे 1/9 तो वैसे ही आपको लिखने हैं, इन दोनों आव्यूह का गुणा करना है। यदि आप दोनों आव्यूह का गुणा करेंगे तो देखिए 7 का 6 से 42, 3 का 11 से करेंगे 33, 2 का 0 से किया 0, 3 का 6 से किया 18, 0 का 11 से किया 0, 3 का 0 से करेंगे 0, 1 का 6 से करेंगे -6 होगा, 3 का 11 से करेंगे 33, 1 का 0 से किया 0। और इन सबको यदि आप जोड़ के लिखेंगे तो देखिए 1/9 आगे है, यहाँ पे होगा 9, यहाँ 18, यहाँ 27 और आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए 1/9 का गुणा यहाँ आव्यूह में करेंगे तो हर एक अवयव से होगा, तो 9 एकम 9, यहाँ 1, 9 दूनी 18, यहाँ 2, 9 3 27, यहाँ 3, तो 1, यहाँ 2, यहाँ 3 आ जाएगा। और देखिए बराबर में क्या चल रहा है, एक्स आव्यूह चल रहा है और एक्स आव्यूह का मान हमारे पास एक्स वाई जेड है। यदि आप इनकी तुलना कर देंगे तो एक्स का मान 1, वाई का मान 2, जेड का मान 3 आ जाएगा। तो देखिए तुलना करने पर x बराबर 1, y बराबर 2, z बराबर 3 प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार आप अंत में लिख सकते हैं कि 3 संख्याएं क्रमशः 1 2 3 प्राप्त होती हैं। तो इस प्रकार से उदाहरण 29 कंप्लीट हुआ। तो हमने तीनों उदाहरण कंप्लीट कर लिए हैं। धन्यवाद।